हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम है और मैं मालदीव्स में रहती हूँ। ये जो वीडियो है हमारी, पिछली अभी कुछ एक दो दिन पहले हम लोग पिकनिक गए थे, तो ये दोनों तो ऐसे बिल्कुल टसन मार रहे हैं कि जैसे बस ये ही जा रहे होंगे। उसके बाद हम सिम्बा का वेट कर रहे थे। सिम्बा जिम्बाब्वे से है, जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, और ये बगल में उसके विक्की शेफ है। ये है ना हमारी ना अराइवल जेटी है। जब्बा शेफ, अरीज, अली भाई सारे लोग आ गए। और ये देखो दिन कितना सुहाना था, हमें क्या दिखा। ये बच्चा है शायद और ये जा रहा था पानी की तरह। ये हमारी बोट थी जिस बोट में हमें जाना था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं आज तक ऐसे बोट में कभी नहीं बैठी हूँ। पर समझ में नहीं आया था कि मैं कहाँ बैठूँगी इसमें। हम सभी लोग जाने को तैयार हो गए हैं। रोनी का कैमरा बिल्कुल सेट है। रोनी को ना बहुत पसंद है फोटो वोटो क्लिक करना। सकूर भाई हैं हमारे, राखी हैं हमारे साथ। ये तो विक्की भाई है। ये देखो रिची आ गया। उसके बाद क्या, फटाफट से हम लोग ना सोच रहे थे कि क्या करना है। चलो इन लोगों ने सामान डालना स्टार्ट कर दिया है। उसके सामान बोले तो फैंटा वाटर और ये सारी चीज़ें हम लोग जो लेके गए थे, जिससे अगर हम आइलैंड में जा रहे हैं पिकनिक में तो चीज़ें हमें चाहिए खाने के लिए, है ना, समझ रहे हो आप लोग। पर मज़ा बहुत आ रहा था पता देखना कभी। और ये जो बोट है ना, इसमें मैंने ध्यान दिया था ऊपर से ये चार बैठने के लिए ऊपर था और नीचे भी यहाँ पे ऐसे कुछ बैठने के लिए था। सिम्बा आ रहा है, पता नहीं क्या हाथों में हिला रहा है। ये हमारे शेफ से हैं दो के दोनों, श्रीलंका से हैं। ये अहमद जो मछली मार रहा था, ये देखो ये ना बड़ी बड़ी सी बोट जो है उसे धोनी कहते हैं। आपको मैंने पहले बताया पिछली वाली वीडियोज में, जब आइलैंड से बाहर से कुछ सामान आता है तो वो इसी में ही आता है। और हम लोग चले गए हैं पिकनिक की तरफ। ज़्यादा लोग नहीं थे, 16 to 17 लोग थे, जिसमें सिर्फ एक मैं ही लड़की थी, बाकी सारे हमारे दोस्त थे। और बड़ा मज़ा आने वाला है आज का दिन, ऐसा मुझे अभी से फील हो रहा है। ऊपर ये सारे के सारे ऊपर चले गए थे और हम लोग नीचे बैठे हुए थे मज़े से। और अहमद तो खैर फिशिंग कर रहा था। खाने का भी बहुत सारा सामान हम लोग साथ लेके गए थे। और ये पूरा वही आइलैंड, ये देखो ना कौन बोट चला रहा है। बोट तो हम चला रहे थे क्योंकि इन सबको हम ले जा रहे थे। मजाक कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चलाया था, इट्स नॉट ईजी। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे। यार पता है हवा बढ़िया आ रही थी और कुछ नहीं है। और ये बोट में पता है डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल खुला बोट था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दिस इज रियली वॉज लाइक वेरी बेस्ट। अरीज भाई को देखो आप, बिल्कुल दबंग बने हुए हैं। ये एके हैं हमारे मैनेजर। बोट कैप्टन विक्रम आ गए हैं, अब उन्होंने अपनी जगह घेर ली थी और वो बोट चला रहे थे। उसके बाद ये जो बोट है ना, काफ़ी हैवी टाइप है, पर लोकल आइलैंड में ये ही चलती है। लाइक अगर जब जाते हैं ना यहाँ वहाँ ज़्यादा सामान वामान लेके, फिशिंग के लिए, पिकनिक के लिए, ऐसे कामों के लिए यही ऐसी वाली जो बोट होती है वही काम आती है। यहाँ देखो आप इनको, विक्रम ने गाना शुरू कर दिया है। भले ही से गाना आता नहीं है पर उसने शुरू कर दिया। रिची और अहमद ने तो बिल्कुल आइलैंड से ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया था। और यकीन मानिए जब तक हम पहुँचे नहीं तब तक इनकी मछलियाँ थी। ये जो आप आइलैंड देख रहे हो ये वही आइलैंड है जिस आइलैंड में हमें जाना था, और हम उस आइलैंड में पहुँच गए। अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये आइलैंड बहुत सुंदर लग रहा है। इस आइलैंड में ना बहुत प्यारा बिल्कुल सैंडी बीच था, नंगे पैर चल सकते हो आप यकीन मानो। और पानी तो आगे इतना साफ था कि पूछो मत। मुझे तो वो है ना कहो ना प्यार है वाली मूवी याद आ गई थी यहाँ पे। बड़ा मज़ा आ रहा था सीरियसली। अब इस आइलैंड में अगर हमें जाना है ना तो इस आइलैंड में हम तैर के तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा बोट था वो काफ़ी बड़ा था और बोट का मतलब कोने तक नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें छोटे वाले बोट की ज़रूरत पड़ेगी। और जिनके पास भी जो बड़ा वाला बोट होता है वो अपने पास छोटे वाले डिंगी बोट बोलते हैं, वो भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि सामान वामान अगर जाना है या ऐसे अगर क्रॉस करना है और आइलैंड की तरफ जाना है तो वो हेल्प करेगा। ये देखिए अब साइड से जो बोट आ रहा है वहाँ से, उसे डिंगी कहते हैं और वो डिंगी बोट है। डिंगी पहुँच गया भैया, कपड़े तो पहन ले आते, लड़की खड़ी थी आपके सामने, शर्म नहीं आती वो बात अलग है। उसके बाद क्या, फिर हम लोगों ने सामान डाला इसमें फटाफट से। सामान बोले तो अपने वही जो फ्रीजर बॉक्स वगैरह थे। और एक बार में इसमें सारे के सारे लोग नहीं आ सकते हैं, 8 से 9 लोग ही जा सकते हैं। तो और सारे के सारे इतने हैवी लोग थे, ये देखो हम जा रहे हैं।
उसके बाद हम लोग चले गए और हमने उस बोट को, बड़े वाले बोट को बाय बोला। वो बोट को ना लगा के फिर ये जो डिंगी है ये हमें छोड़ के वापस जाएगी। इसके सामने एक बॉल थी और उस बॉल पे ना एक बहुत प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी, तो उसको मुझे कैप्चर करना था। तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि भैया उस तरफ ले चलो ना, पर हमें नहीं पता था कि वहाँ से हम गिर भी सकते हैं। तो हम बस गिरते 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 ही बचे, बस थोड़ा सा ऐसे हो गए थे कि हम बोट गिरने वाला था, पर फिर हम बचे और क्या। और ये जो हमारे वेलकम के लिए खड़े हुए हैं, ये पता है इस आइलैंड में अकेले रहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, ये आइलैंड में बिल्कुल अकेले रहते हैं। सीरियसली हम पहुंच गए हैं आइलैंड में। इतना मज़ा आ रहा था ना आइलैंड देख के, मुझे तो लग रहा था कि जैसे बस यहीं रहे आज। और फिर हमारे साथ के ये सारे के सारे लोग थे। सिम्बा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो मेरा दोस्त रोज़ है। ये रोनी भाई आ रहे हैं, ये पिता पनियाकी के शेफ़ हैं। ये जो ऐसे कर रहे हैं, ये अमीला शेफ़ हैं। उनके पीछे राकीन है, जब्बा है, विक्की है, विक्की डोसा विक्की है, अरीज है, रिची है, और अपने वो सऊदी भाई, उनका नाम पता नहीं क्या, उनको सऊदी भाई कहते हैं। इनका चकना निकल गया, मतलब दमी नमकीन, जिसको चकना चकना कह रहे थे। रिची ने फोटो क्लिक करना स्टार्ट किया यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू गनभूषी, ये आइलैंड का नाम है एक्चुअल में। और फिशिंग के लिए ये लोग बहुत सारे सामान लेकर आए ताकि हम लोग फिशिंग भी करेंगे करके। आइलैंड की अगर हम बात करें तो आपसे, आइलैंड के अंदर पता क्या, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे झूले लगे हुए थे, मतलब बहुत सुनसानी थी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस आइलैंड में, बस पेड़ ही पेड़ है। ये आइलैंड एक्चुअली सिर्फ विजिटर के लिए ही है, जैसे अगर कोई डाइविंग के लिए आता है उस जगह पे, उस लगून पे, या कोई अगर पे, या कोई अगर ऐसे आ रहा है सैंड बैंक भी यहाँ पे नहीं होता है, मतलब लगून के लिए अगर कोई आता है तो उनको यहाँ पे रुकना है आइलैंड में, पिकनिक इंजॉय करना है, तो वो इसलिए आते हैं इस आइलैंड में। ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्टोपस पकड़ लिया अली भाई ने यहाँ पे, टैलेंट तो भैया कूद कूद के भरा है समथिंग, ये हमारे अली भाई हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सामान वामान, जो भी हमारा सामान था वो भी हम ही लोगों ने लाना था, तो हम लोगों ने वो सामान वामान लाए। ये सऊदी भैया, पता नहीं क्या इनका नाम है, मतलब सऊदी भैया बोल रहे हैं, पता नहीं क्या, ये बहुत हेल्पफुल थे। ये सारे के सारे टीम मेंबर्स हमारे जो हमारे साथ पिकनिक में गए थे, ये साई खान, मज़ा आया भैया, सीरियसली दिस वॉज अमेजिंग, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये सिम्बा पता नहीं क्या खा रहा है स्टार्टिंग से, इसका पेट मुझे लग रहा है अभी तक इसका ख़त्म नहीं हुआ। ये अहमद है, जिसको एक भी मछली नहीं मिली। अब यहाँ से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था थोड़ा पिक्चर विक्चर क्लिक करना बहुत, क्योंकि आइलैंड खाली हो गया था। हम लोगों ने चलो ठीक है स्विमिंग करने चलते हैं, कोई कहीं आइलैंड में बिखर गए थे। तो मैं और मेरा दोस्त लॉकी भाई, हम दोनों निकल गए थे, बस यहाँ पर बैठे आराम से। देखो ना अब कितना मज़ा आ रहा है, मज़ा तो सीरियसली बहुत आ रहा था यहाँ पर, और कुछ होना तो आइलैंड बहुत सुंदर है। दिस इज़ अ टैलेंट, ये श्रीलंका से। उसके बाद फिर जब ये डांस म्यूजिक वगैरह ख़त्म हो गया था हमारा, हम लोग चले गए थे बाहर की तरफ, क्योंकि आइलैंड में बहुत सारी चीज़ें थी जो देखनी थी, घूमनी थी। सौरभ को देखो ऊपर कैसे भागा तो फिर हम लोगों ने क्या करा, पिक्चर विक्चर लेना स्टार्ट किया था। विक्की भाई तो बिल्कुल मछली पकड़ने में ही लगे थे, लौकी भाई को बस पानी से बहुत प्यार है। ये इस तरफ थे, मैं भी लगी पड़ी थी इधर, मेरे पैर पर चोट लगी थी, पर फिर भी वो सारी चीज़ें भूल के हम लोग बस इंजॉय कर रहे करने के लिए ही गए थे, तो हम लोग बस इंजॉय कर रहे थे।
हम लोगों का क्या था कि कुछ ग्रुप्स के ना कुछ लोग वहाँ पे फिशिंग करने चले गए, हम लोग इधर स्विमिंग करने चले गए और विक्की भाई लोग मछली पकड़ने चले गए। ये देखो फोटोग्राफीज हम लोगों ने करी, बड़ा मज़ा आया सीरियसली। अगर आप जैसे मॉलिव्स आते हो ना तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये टाइम ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। और ये देखो इतना ही नहीं, हम लोगों ने वॉलीबॉल भी खेला, ये फुटबॉल थी नहीं हमारे पास तो विक्की भाई ने वॉलीबॉल को फुटबॉल बना ली। आप देखो मैंने 3 बार बॉल मारी और किसी ने मेरी बॉल नहीं पकड़ी। ये देखो ना पावर है भैया हाथ में, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि बस मैं ही मार रही हूँ, बस तो मैं ही खेल रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे बीच में, बहुत मतलब 3 से 4 घंटे हम लोगों ने नहाया होगा पूरा दिन ऐसे ही। ये वहाँ पे एक शावर, लाइक जब आप लोग स्विमिंग करके आते हो फिर आप शावर लेते हो, तो इसमें भी इन लोगों ने फोटो नहीं छोड़ी, इसमें भी ये लोग लगे पड़े थे फोटो लेने में, क्योंकि हम चाहते थे ना कि सारा मोमेंट कैप्चर हो सिंगल सिंगल। चलो अब मैं आपको ना आइलैंड दिखाती हूँ हल्का सा। आइलैंड के अंदर आप बारबेक्यू वगैरह कुछ भी कर सकते हो, जैसे अगर आप फिश वगैरह पकड़ रहे हो या चिकन रोस्ट वगैरह करना है आपको, कुछ भी करना है ग्रिल आइटम, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। उसके अलावा आइलैंड में बहुत सारे पेड़ थे, बहुत ऐसे ना छोटी छोटी सी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, कोई आपको किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी को बुक्स पढ़नी है या किसी, ये प्राइवेट आइलैंड है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ है, फैमिलीज़ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत सेफ आइलैंड है। शाम का समय हो गया था तो इन लोगों ने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था, एंड ऑल्सो दे वर सेइंग कि जाओ सनसेट देख लो, तो हम लोगों ने प्लानिंग करी चलो हम लोग सनसेट देखने जाते हैं। फिर ये जो बोट था वो सनसेट के लिए था, हम लोग बस प्लानिंग ही कर रहे थे कि हमारे साथ के लोग चले गए थे, हम ढूंढ रहे हैं कि बोट तो भी था फिर कहाँ गया। फिर ये लोग हमें देने के लिए वापस आए और देखना कैसे हंस रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये हमें भूल गए वहाँ पर पता है, और हम लोग बस सोच रहे हैं कि हाँ ये हमें लेके जाएंगे। फिर हम इनके साथ गए क्योंकि मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना था, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। उसके बाद ये जो मौसम था ये शाम का मौसम था, मॉलदीव इज रियली अच्छा ब्यूटीफुल, अच्छा ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर हम लोग गए जा रहे थे जब पानी, ये बोट है, सारी बोट सेम ही होती है ड्राइव करने के लिए है ना, जैसे मैंने देखा था इनको भी, ये भी सेम ही था भैया, टैलेंट थी उसको चलाने के लिए। एंड चारों तरफ बस पानी पानी है और आपको कुछ नहीं दिखेगा, आइलैंड बहुत देखो सनसेट होने वाला है, ये वो आइलैंड है जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ पे हम लोग हैं। उसके बाद फिर हम ज़्यादा दूर नहीं गए यहाँ से, थोड़ा सा आगे गए फिशिंग के लिए और साथ में हम लोग सनसेट भी देख लेंगे हम सोच रहे थे। जहाँ मतलब यहाँ पे ऐसा ना कि ओशन पे आप कितना भी आगे चले जाओ कितना पीछे चले जाओ चीज़ें आपको सेम ही दिखाई देंगी, क्योंकि चीज़ें सेम ही हैं, ऐसा डिफरेंसेस नहीं है, चीज़ें सेम ही हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था सीरियसली, आप देखो ना कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा था हम ड्रोन चला रहे हैं ना, हमें ड्रोन चला रहा था, नहीं ड्रोन नहीं था, फिर हमने सही शूट किया था। सनसेट देखो क्या लिटरली, बस आपको मैंने ये भी बोला था कि यार किस्मत वालों को ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और बच्चे की सबसे बड़ी बात क्या, बोट में ना सारे के सारे लोग मतलब सबको एक्सपीरियंस है वो फिशिंग वाली बोट का, मुझे और मेरा फ्रेंड धोनी, हम दोनों को इतना डर लग रहा था क्योंकि हम लोगों को फिशिंग करनी भी नहीं आती और ऊपर से ना हम लोग को स्विमिंग करनी आती है अच्छे से, तो हम दोनों को ये सोच रहे थे कि हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या। ये तो जो हमारे साथ ड्राइवर हैं जिनकी ये बोट है, ये बोट है फिशिंग कर रहे थे, पकड़ के रखे थे, हमें लगा कि फिश ऊपर आएगी क्या, तो फिश तो आई नहीं। मजे हैं पर इन लोग के भी ना, मॉलडीव्स में रहते हैं भैया, अच्छा तो लगता है। ये देखो आप सनसेट है और पास में बिल्कुल वो बैठे हैं, ये देखना ये सकूर मछली निकाल रहा है पर निकला कुछ नहीं। उसके बाद सनसेट हो गया, सूर्य जी आ गए हमारे, देखो ना आप कितना सही सनसेट है। आज का दिन तो बहुत सुकून भरा था सीरियसली, बहुत सुकून भरा। अगर आप लोग कभी मॉलदीव्स में आओ या आप कभी मॉलदीव्स में रहते हो ना, तो मतलब अभी ये जैसे मॉलदीव्स में रहते हो या कभी आपका प्लानिंग है आने का, आप आओ रहो ऐसे जाओ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। राकीब ने पता है ऐसे खींची है, मुझे तो लगा पता नहीं कितनी बड़ी मछली आ रही है, और देखो क्या निकाला इसने पानी से, पर उसकी भी मैंने फ़ोटो ले ली थी, कितना अच्छा लग रहा था। ये कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ये तो मुझे पता है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, मछली नहीं भी निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। पर जो विक्की भाई है ना, विक्की भाई कब से लगा पड़ा था कि मैं मछली, भैया मुझे मछली निकालनी है, मछली निकालनी है। विक्की भाई उत्तराखंड में रहते हैं इंडिया में, तो इनके वहाँ जो वो होता है ना गद्यार कहते हैं जिसका उत्तराखंड में, तो ये वहाँ पर मछली मारते हैं, तो इनको मछली मारने का बहुत शौक है, पर इनसे मछली ना निकले एक भी,
देखो शायद निकल जाए अब, बहुत टाइम से कह रहे मछली मछली। यार पता क्या, पानी अगर हम देख रहे थे ना नीचे, पानी इतना गहरा नहीं था, मतलब मैं, ये देखो मछली आ गई, आई थिंक इट्स रेड स्नैपर, मुझे भी सही से नाम नहीं पता इसका, पर ये वो लोग बोल रहे थे कि बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, ऐसे करके फिर निकाली फोटो वोटो क्लिक करी। और फोटो क्लिक कर रहा था रॉनी, क्योंकि रॉनी के पास एक कैमरा है एंड देन उसको बहुत अच्छी लगता है फोटो वोटो क्लिक करना। हमारी सारी फोटोज पिकनिक विकनिक की सारी की सारी रॉनी ने ही फोटो क्लिक करी थी। उसके बाद फिर ये सब कुछ खत्म हुआ और हमने ये प्यारा सा व्यू देखा। व्यू देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि हमें निकलना भी है अपने आइलैंड में। रात हो गई थी और मैं बोट ड्राइव कर रही थी, देखो। फिर उसके बाद हम लोग वापस आइलैंड की तरफ आ गए। पूरा रात हो गया था, पूरा रात आइलैंड आए, आइलैंड में पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया। वो चीज़ मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और अच्छे से फोटो भी नहीं आ पा रही थी। फिर हम लोगों ने ये बॉनफायर किया क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे आए थे पिकनिक के लिए, तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जो सऊदी भैया थे, जिनको सऊदी भैया बोल रही हूँ, वो अकेले रहते हैं वहाँ पे, पर एनीवेज वो उनको भी अब अच्छा लगने लग गया है वहाँ पे। बस ये चीज़ हुई थी हमारी। हम लोगों ने अपना सामान वामान सारा इकट्ठा किया, बहुत इंजॉय किया था। तो सामान सबके किसी के कहीं किसी कहीं बिखरे हुए थे, आधे तो हमारी चीज़ें स्विमिंग करते करते हम वहीं छोड़ के चले गए थे। तो वो सारी चीज़ें, मतलब हमें तो लगा कि जैसे ना आइलैंड ही पूरा हमारा है आज के दिन, तो वो सब कुछ ख़त्म किया उसके। ये देखने के बाद तो मुझे सच में अपनी वो याद आ गई थी कि घर पे जैसे हम लोग ठंडों के दिनों पे करते हैं ना, लेकिन मॉलडीव्स में तो इतनी गर्मी है ऑलरेडी, तो ये सब कुछ तो नहीं, ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा सही एक्सपीरियंस था यार, सच में बहुत मज़ा आया। आज का दिन तो रियली इट वॉज वेरी वेरी गुड। उसके बाद फिर हम लोगों ने बस यहाँ पे खड़े हुए बातें करी थोड़ी देर, बोट का वेट कर रहे थे। बोट का वेट करने के बाद फिर डिसाइड कर रहे थे, मतलब देख कि कैसे करना है, कौन जाएगा पहले, छोटी वाली बोट डिंगी आएगी, ये है वो है। फिर अचानक से फटाफट से आ गई थी, तो हम लोगों ने अपना क्या किया, सामान वामान डाला बोट में और फिर हम लोग चले गए अपने रिसोर्ट की तरफ बैक। वो डिंगी पीछे से आ रही जिसको हम बात के ला रहे हैं, उसमें कोई भी नहीं था, आगे वाले बोट में हम बैठे हुए थे सारे के सारे अपने वाले बोट में। तो गाइज यही हमारी पिकनिक थी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था। आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने भी कुछ नया देखा होगा, पक्का ज़रूर देखा होगा। आइलैंड बहुत सुंदर था और ये देखो ना हमारा आइलैंड दिख रहा है दूर से। और बस इसी 15 मिनट लगे थे हमें पहुँचने में, तो हम पहुँच गए थे। चलो गाइज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हो, लाइक करते हो, मुझे